हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी खत्म हुई है AEW कोलिजन, तो इस वीडियो हम लेकर आए हैं इस शो के ऑफिशियल रिजल्ट्स। तो इस शो का पहला मैच हुआ था कॉन्टिनेंटल क्लासिक ब्लू लीग से टूर्नामेंट फॉर टॉस, क्लोडियो कैस्टानोली वर्सेस ब्रायन डैनियलसन। यह मैच एक 20 मिनट का काफी लंबा मैच हुआ था और इस वजह से यह मैच टाइम लिमिट के कारण एंड हो गया, यानी कि यह मैच एक ड्रॉ में एंड हुआ और दोनों सुपरस्टार्स को एक एक पॉइंट मिल चुका है। तो इस तरह क्लोडियो इस लीग से बाहर हो चुके हैं, जबकि ब्रायन डैनियलसन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसके बाद शो पर हमें नजर आते हैं द TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज। यहाँ पर क्रिश्चियन केज रिंग में एक प्रोमो देते हैं और उनके साथ निक वेन भी होते हैं और निक वेन की मदर भी होती हैं। यहाँ पर वो प्रोमो के बाद रेटेड सुपरस्टार एडम कोपलैंड का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और मैच कंफर्म हो चुका है वर्ल्ड एंड के लिए, जो होने वाला है TNT चैंपियनशिप के लिए एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और इसके बाद हुआ शो पर एक स्पेशल सिंगल्स मैच, द ROH वर्ल्ड सिक्स मैन टैग टीम चैंपियन ब्रायन केज वर्सेस कीथ ली। इस छोटे मैच में ब्रायन केज को हरा दिया कीथ ली ने और इसके बाद कीथ ली एक प्रोमो कट करते हुए नजर आए मोग्यूल असेंबली एंड स्वर्व स्टिकलैंड के बारे में। इसके बाद शो का अगला मैच हुआ AEW वर्ल्ड ट्रायल चैंपियनशिप्स के लिए। यहाँ पर द अक्लेम्ड ने टाइटल्स डिफेंड किए अगेंस्ट टॉप फ्लाइट एंड एक्शन एंड्रेटी और इस मैच में अक्लेम्ड ने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया। और इसके बाद शो पर बैक स्टेज हमको क्रिस जेरिको एंड द करंट AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस रिकी स्टार्क एंड बिग बिल का एक सेगमेंट देखने को मिला। केनी ओमेगा इंजर्ड हो चुके हैं तो क्रिस जेरिको अपने लिए एक न्यू पार्टनर ढूंढने वाले हैं वर्ल्ड एंड के मैच के लिए। इसके बाद शो का अगला मैच हुआ कॉन्टिनेंटल क्लासिक ब्लू लीग से एक और सिंगल्स मैच, ब्रोडी किंग वर्सेस डेनियल गार्सिया। इस मैच में डेनियल गार्सिया ने ब्रोडी किंग को हरा दिया है और ये उनकी फर्स्ट विक्ट्री है इस लीग में। और इसके बाद शो पर हाउस ऑफ ब्लैक एंड FTR के बीच भी हमको एक सेगमेंट देखने को मिला, तो शायद वर्ल्ड एंड में एक टैग टीम मैच इन दोनों टीमों के बीच हो सकता है। और इसके बाद हुआ वुमेंस डिवीजन से एक स्पेशल टैग टीम मैच, द TBS चैंपियन जूलिया हार्ट एंड स्काई ब्लू वर्सेस थंडर रोसा एंड एबर्टन। लास्ट वीक थंडर रोसा ने रिटर्न किया था और इस मैच में थंडर रोसा एंड एबर्टन की जीत हुई। और मैच के बाद वर्ल्ड एंड के लिए एक सिंगल्स मैच कन्फर्म हो चुका है, जूलिया हार्ट वर्सेज एबर्टन फॉर द TBS चैंपियनशिप। और फिर इसके बाद हुआ शो का मेन इवेंट कॉन्टिनेंटल क्लासिक ब्लू लीग से टूर्नामेंट फॉर टॉस, अंद्रादे एलिडोलो वर्सेज द ROH वर्ल्ड चैंपियन एंड NJPW स्ट्रॉन्ग ओपनवेट चैंपियन एडी किंगस्टन। और इस मैच में एडी किंगस्टन ने अंद्रादे को हरा दिया और अब वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसके बाद हमको ब्रायन डैनियलसन और एडी किंगस्टन के बीच फेस ऑफ देखने को मिला, क्योंकि इन दोनों का मैच होने वाला है फाइनल्स के लिए नेक्स्ट वीक कोलिजन पर।